देखिए बेटा, आज एंट्री टेस्ट वालों की क्लास के अंदर हम फर्स्ट ईयर शुरू करेंगे, और जो हाफ एंट्री वाले हैं जाहिर है उनकी भी फर्स्ट ईयर ही है, तो दोनों की क्लास साथ में होगी और हाफ एंट्री की क्लास अलग भी होगी। हाफ एंट्री की क्लास जो अलग होगी उसके अंदर वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर नहीं है, और एंट्री टेस्ट वालों के साथ जो हाफ एंट्री की क्लास होगी उसके अंदर वो चैप्टर्स पढ़ेंगे जो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर मौजूद होते, क्योंकि अपना बुक दोनों के लिए सेम है, एंट्री टेस्ट वालों के लिए भी वही है और हाफ एंट्री वालों के लिए भी वही है। तो पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर हमारे पास फर्स्ट ईयर के अंदर सिर्फ चार चैप्टर्स हैं। एक है चैप्टर 3। चैप्टर 3 का भी जो पहले वाला हिस्सा है वो पीएमडीसी के सिलेबस में, फ्रिक्शन वाले टॉपिक पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर डायरेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन फ्रिक्शन वाले टॉपिक्स भी आपको पढ़ने होंगे। चैप्टर 4 है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल और सर्कुलर मोशन दोनों आपके सिलेबस में मौजूद है, और उसके बाद चैप्टर 7 है और चैप्टर 8 है। तो चार चैप्टर्स हैं। इन चैप्टर में सबसे पहले जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो चैप्टर 7 और 8 करेंगे, और आखिर में जो करेंगे वो 3 और 4 करेंगे। तो आज जो हम यहाँ पे चैप्टर शुरू करेंगे वो चैप्टर 7 शुरू करेंगे, पहले चैप्टर 7 और 8 करेंगे, उसके बाद जो चैप्टर है वो हम करेंगे 3 और 4। तो चैप्टर 7 पहले स्टार्ट करते हैं बेटा यहाँ पे। देखिए चैप्टर 7 है जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है। ये चैप्टर आपके पीएमडीसी के सिलेबस के अंदर भी मौजूद है, तो जो आपकी नेक्स्ट टेस्ट होगी जो फुल एंट्री वालों की, उसके अंदर ये चैप्टर नहीं होगा जीटी के अंदर, क्योंकि आपके अभी इंटर के कुछ चैप्टर्स रहते हैं, तो उनकी जो जनरल टेस्ट होगी उसके अंदर इंटर का जो सिलेबस जिसकी अभी टेस्ट नहीं हुई है वो आएगा, 18 का आधा हिस्सा, 19 और 20, तो ये जहन में रखिएगा। और हाफ एंट्री वालों की जो टेस्ट होगी नेक्स्ट जीटी, उसके अंदर ये चैप्टर 7 और जो इनका चैप्टर 9 चल रहा है अलग से, तो चैप्टर 9 का रिमेनिंग पोर्शन और ये चैप्टर जो है ये दोनों आएंगे, क्योंकि इनका 9 चैप्टर का क्लास जो होगा वो अलग चलेगा। देखिए वर्क पावर एंड एनर्जी, देखिए बेटा इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके जहन में होने चाहिए। पहला जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे कांस्टेंट फोर्स। देखिए कांस्टेंट फोर्स क्या होती है, या यूनिफॉर्म फोर्स आप कह लें या यूनिफॉर्म फोर्स कह लें। देखिए बेटा ये जो फोर्स है ये वेक्टर क्वांटिटी है, अगर इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी हम कहेंगे कि इसके अंदर चेंज आई है, अगर इसका डायरेक्शन चेंज होता है तो भी हम कहेंगे इसके अंदर चेंज आई है। तो अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो, या इनमें से कोई भी एक चीज चेंज हो, तो हम कहेंगे जो है वो चेंज न हो तो हम कहेंगे कि ये कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फोर्स। तो देखिए आप कहोगे कि फोर्स हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन,
या आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसी फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड चेंज ना हो और उसका डायरेक्शन चेंज ना हो, उसको कांस्टेंट या यूनिफॉर्म फोर्स कहा जाएगा। उसके बाद होता है वेरिएबल फोर्स। अगर कोई भी बॉडी है उसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही है तो बैलेंस्ड फोर्स का कॉन्सेप्ट एक फोर्स से तो नहीं आएगा, क्योंकि एक फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही है तो एक फोर्स बैलेंस्ड नहीं कहला सकती, क्योंकि बैलेंस हमेशा दो से आ सकता है, तीन से आ सकता है, चार से आ सकता है, कभी भी अकेली फोर्स बैलेंस्ड फोर्स नहीं कहलाएगी। ऐसी फोर्स जो किसी भी बॉडी के ऊपर जब एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही है और वो फोर्सेस इस तरह से लग रही है कि उन सब फोर्सेस का सम जीरो है तो हम कहेंगे वो बैलेंस्ड फोर्स है। ठीक है, तो बैलेंस्ड फोर्स जो होती है, बैलेंस्ड फोर्स का मकसद ऐसी फोर्स जिसमें सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो। जैसे आप आपके सराउंडिंग में बहुत सारी चीजें देखते हैं, वो सब की सब चीजें रेस्ट में होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं लग रही। उनके ऊपर फोर्सेस लग रही है, उनका वेट होता है और नॉर्मल रिएक्शन होता है उस सरफेस का जिस सरफेस पे वो चीजें पड़ी हुई होती है। लेकिन अगर ये फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, मीन्स इनका सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो है, या एनी अदर कोई फोर्स भी लग रही है, तो अगर सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो होता है तो ही बॉडी वो रेस्ट में होती है। तो सम ऑफ ऑल फोर्सेस जब जीरो हो तो ऐसी फोर्स को हम कहेंगे कि ये बैलेंस्ड फोर्स है, और बैलेंस्ड फोर्स के अंदर नेट फोर्स जो होती है वो जीरो होती है। आप इसके अंदर कहोगे कि नेट फोर्स, ठीक है, नेट फोर्स, या आप इसको कहोगे नेट फोर्स, नेट फोर्स इज जीरो। ठीक है, आप इसको कह सकते हैं कि नेट फोर्स जो है वो नेट फोर्स इज जीरो, नेट फोर्स जीरो होती है। और दूसरी होती है अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा।
अब अगर अनबैलेंस्ड फोर्स करें, अनबैलेंस्ड फोर्स का मकसद है सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज नॉट जीरो। सिंगल फोर्स अगर किसी भी बॉडी के ऊपर लग रही है तो वो अनबैलेंस्ड ही होगी। सिंगल फोर्स कभी भी बैलेंस्ड नहीं हो सकती, बैलेंस्ड फोर्सेस हमेशा दो या दो से ज्यादा होंगी। अगर किसी बॉडी के ऊपर, ठीक है, एक फोर्स लग रही है या एक से ज्यादा फोर्सेस लग रही है जिनका सम ऑफ ऑल फोर्सेस जीरो नहीं है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही है वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस है। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मकसद है कि जिसके अंदर सम जीरो ना। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फोर्स नेट, नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसके अंदर नेट फोर्स लगती है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट था। अब इससे आगे एक चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर जब भी हम बात करेंगे व्हेन फोर्स इज अप्लाइड फिजिक्स के अंदर या इस चैप्टर के अंदर, ओवरऑल फिजिक्स के अंदर यही रूल है कि जब हम कहते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इसका मकसद है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, मैं लिख लेता हूं कि इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है फिजिक्स के अंदर, के व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, जब फोर्स इज अप्लाइड कहीं पे आ जाता है तो इसका मकसद है कि हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स, तो हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। जरूरी नहीं है कि हर जगह पे अनबैलेंस्ड वर्ड इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिजिक्स के अंदर जब कहा जाता है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब फोर्स को अप्लाई किया जाता है, ठीक है, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इसका मकसद है हम बात कर रहे हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। ठीक है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स की बात हम तब करते हैं जब हम कहते हैं कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड। तो आज के बाद जहां पे भी ये टर्म आएगा कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, तो इसका मतलब है कि हम समझेंगे कि ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये उसी तरह से होता है जिस तरह से रिलेटिविटी के अंदर हम कहते हैं कि इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, तो इसका मतलब होता है कि हम कह रहे होते हैं कि बॉडी इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू द अर्थ। ये पूरा सेंटेंस इस तरह से होता है। जब हम अर्थ के ऊपर किसी बॉडी के बारे में कहते हैं कि ये बॉडी रेस्ट में है, तो एक्चुअली हम कह रहे होते हैं कि ये जमीन के हिसाब से रेस्ट में। अगर हम गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वहां पे कोई चीज पड़ी है, हम कहते हैं ये चीज यहाँ पे रेस्ट में। गाड़ी के अंदर अगर कोई दो बंदे बैठे हैं, अगर एक दूसरे के बारे में कहेंगे कि ये बंदा लेकिन आपको पता है जमीन के हिसाब से जब गाड़ी मूव कर रही होगी तो बंदा उसके साथ मूव कर रहा हो, तो आप कहेंगे कि ये जिस तरह से हम फिजिक्स के अंदर शॉर्ट टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी एक पीछे पस मंजर होता है, इसी तरह से आप कहोगे कि अगर, ठीक है, अगर आप किसी भी बॉडी के बारे में कहते हो, किसी भी बॉडी के बारे में अगर आप कहते हो कि ये बॉडी रेस्ट में, इसका मकसद है विथ रेस्पेक्ट टू समथिंग कह रहे हो जिसको बार बार एक्सप्रेस नहीं किया जाता। तो जब हम ये सेंटेंस कहते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इसका कर रहे होते हैं Thank you.
इज अप्लाइड। ठीक है, तो बात ये ध्यान में रखिएगा कि जब हम बात करते हैं वर्ग की, के वर्ग के बारे में हम कहते हैं कि वेन फोर्स इज अप्लाइड, इसका मकसद है अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, जब अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई की जा रही है। ठीक है, एंड बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट, के अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओ और अनबैलेंस्ड फोर्स लगाने के बाद बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी तय करे। बैलेंस्ड फोर्स से अगर डिस्प्लेसमेंट बॉडी तय करती है ना, तो वो वर्क में नहीं आता। वेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी कवर्स डिस्प्लेसमेंट, तो एक्चुअली हम क्या कह रहे होते हैं कि वेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टिंग और उसके बाद जब बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो हम कहते हैं वर्क होता है। बैलेंस्ड फोर्स से वर्क नहीं होता, वर्क किससे होता है? वर्क होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं कि वेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क इज सेड टू बी डन। तो आप कहोगे कि वेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? हाँ, ही हाँ, केडी पॉइंट है, ये सर प्लीज प्लीज सर एक्स्ट्रा क्लास ना लिया करो। बारो। देखिए बेटा, इंटरनेट चला गया था तो ये एक दो कंप्यूटर्स का बंद हो गया था, मैं रिपीट कर देता हूँ। मसला ये है कि इंटरनेट जो है वो उसके अंदर जंक्स आ रहे हैं। ठीक है, ये कुछ दिनों से प्रॉब्लम है, तो ये जो है वो इनका जूम वालों का टेक्निकल इश्यू है। कभी साउंड बंद हो जाता है, कभी वीडियो बंद हो जाती है। शायद ये जो सुनने में आ रहा है कोई इनके ऊपर साइबर अटैक है या क्या है। बहरहाल जो भी है वो टेक्निकल इश्यू है, हमारी तरफ से कोई इश्यू नहीं आ रहा। तो मैं इस पॉइंट को फिर एक बार जो है वो रिपीट कर देता हूँ। तो देखिए बेटा, हम बात करते हैं कि ये चीज जो है वो ये मुख्तलिफ कंप्यूटर्स की बंद हो गई थी, तो ये मैं इसको ब्रीफली एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहली बात ये कि जब हम बात करते हैं वेन फोर्स इज अप्लाइड, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? जब हम कहते हैं वेन फोर्स इज अप्लाइड, तो एक्चुअली हम कह रहे होते हैं कि वेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज एक्टेड, या वेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड। तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर या फिजिक्स के अंदर जब हम किसी भी चीज के ऊपर ये कहते हैं कि वेन फोर्स इज अप्लाइड, इसका मकसद है कि हम अनबैलेंस्ड फोर्स की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर ये टर्म जो होता है वो किसके लिए यूज होगा? वे अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए होगा। अब इसके बाद हम करते हैं वर्क की डेफिनेशन, के वर्क क्या होता है बेटा। वर्क के अंदर हम दो वर्क के फार्मूले पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक फोर्स बैलेंस हो सकती है और एक फोर्स अनबैलेंस्ड हो सकती है। तो जब सॉरी एक फोर्स कांस्टेंट हो सकती है और एक फोर्स वेरिएबल हो सकती है। तो यहाँ पे दो फार्मूले दिए गए, एक वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है और दूसरा वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर ऐसी अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है जो कांस्टेंट हो, जिसका न मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो, जिसका न डायरेक्शन चेंज हो रहा हो, मीन्स एक जैसी फोर्स लग रही हो, तो ऐसी फोर्स के बारे में हम कहते हैं कि ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, ये कांस्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि ये भी अनबैलेंस्ड ही है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन कंटिन्यूअसली एक जैसा रहता है। तो यहाँ पे पहला फार्मूला जो हम करने जा रहे हैं वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का करने जा रहे हैं। इसका मकसद है व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर हम कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस ऐसी फोर्स जिसका न मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा हो,
ना डायरेक्शन चेंज रहो, लेकिन वो हो अनबैलेंस्ड। बैलेंस्ड से तो नहीं होगा, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स बैलेंस्ड होगी तो वो बॉडी तो रेस्ट में रहेगी। रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स है वो तो मूव ही नहीं करेगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है और मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स जब बैलेंस्ड होती है तो वो बॉडी तो यूनिफॉर्म मोशन में जा रही होती है, तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर भी वर्क नहीं होता और रेस्ट के अंदर भी वर्क नहीं होता। क्योंकि रेस्ट के अंदर जब बॉडी होती है तो भले फोर्सेस लग रही है वो बैलेंस्ड होती है, ठीक है, और बैलेंस्ड फोर्स वर्क नहीं कर सकती। और जब बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, भले मूव करती रहे, डिस्प्लेसमेंट तय करती रहे, लेकिन वो अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं। वर्क हमेशा किससे होगा? वर्क हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स से, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि वर्क के अंदर जब हम कहते हैं व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, इसका मकसद है व्हेन अनबैलेंस्ड फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो अगर किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं और अनबैलेंस्ड जो फोर्स होती है वो यूनिफॉर्म होती है और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय करती है, तो हम कहेंगे कि उस बॉडी के ऊपर वर्क हुआ। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं, आप इसको ये कह सकते हैं, इट बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट देन वर्क इज सेड टू बी डन, देन हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अब इसकी फर्दर दो कंडीशन है। सपोज करें मैं इसको इस तरह से बनाता हूं कि सपोज करें ये हमारे पास इस तरह से जो होता है, सपोज करें एक बॉडी है, ये एक ब्लॉक है, ये एक सरफेस पे पड़ा है बेटा। अब इसके ऊपर अगर आप इस तरह से फोर्स लगाते हो, सपोज करें आपने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाई है और ये ब्लॉक इस तरह से मूव करता है, और ये जो फोर्स है सपोज करें ये अनबैलेंस्ड है, क्योंकि ये फोर्स अगर अनबैलेंस्ड होगी तो ये ब्लॉक मूव करेगा बेटा। सपोज करें थोड़ी देर के बाद ये ब्लॉक यहाँ पे आ गया, अभी इसके ऊपर वही फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। ये ब्लॉक एक डिस्प्लेसमेंट तय करता है और थ्रू आउट मोशन उसके ऊपर वही सेम फोर्स लग रही है, मीन्स फोर्स के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं आ रही, न उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी डायरेक्शन वही था, यहाँ पे भी डायरेक्शन वही है, और यहाँ पे भी डायरेक्शन वही है। तो अगर आप इस बात को देखोगे तो ये बात आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो फोर्स है न इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है न ही फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब न मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और न ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स होता है। तो ये हमारे पास है बेटा वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, मींस ऐसा वर्क जिसके अंदर जो है वो न इनके ऊपर जो है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और न ही इनके ऊपर फोर्स का डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रहा है सर, ठीक है, न मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है और न ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि ये वर्क डन बाय जो कांस्टेंट फोर्स होता है। अब ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के अंदर देखें बॉडी किस तरफ डिस्प्लेसमेंट कर रही है, ये बॉडी डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है अलोंग हॉरिजेंटल। बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग हॉरिजेंटल, आप ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ले बने, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है वो अलोंग एक्स एक्सिस कर रही है। अगर आप देखते हैं तो ये बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय कर रही है ये अलोंग एक्स एक्सिस कर रही है। इसका मकसद है इस फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, ये एक थीटा होती है इसकी, अगर थीटा के हिसाब से देखेंगे तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट एफ वाई होगा और एक कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एफ एक्स होगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे कि जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर इस तरह से फोर्स लगाते हो तो फोर्स के दो हिस्से होते हैं, एक एफ वाई होता है और दूसरा कौन सा होता है, एफ एक्स होता है। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो तय हो रहा है ये किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट जो तय हो रहा है ये तय हो रहा है
ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा है, ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट बॉडी तय कर रही है ये किस डायरेक्शन में कर रही है, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कर रही है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये जो फोर्स इसके ऊपर लग रही है ये कांस्टेंट फोर्स है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड हर जगह पे एक जैसा है। अब इस फोर्स के दो हिस्से हो रहे हैं, एक एफ एक्स हो रहा है और एक एफ वाई हो रहा है। लेकिन ये आप ध्यान में रखें कि ये जो हम फार्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का है, ठीक है। तो ये इस तरह से अगर आप देखोगे तो वर्क का फार्मूला हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ये डॉट प्रोडक्ट रखता है वर्क के, इसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की आपस में प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्यों करते हैं, कि अगर ज्यादा फोर्स होगी तो ज्यादा वर्क होगा, अगर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो भी ज्यादा वर्क होगा, इसलिए वर्क का फॉर्मूला जो हम बनाते हैं वो एफ डॉट एस बनाते हैं। अब देखिए इसमें फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है, आपको पता है जब डॉट प्रोडक्ट होती है ना तो डॉट प्रोडक्ट हमें जो 90 पे जीरो मिलती है वो हमेशा डॉट प्रोडक्ट हमें कुछ मिलती है जब एंगल 90 नहीं होती। तो यहाँ पे एफ एक्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल जीरो है, यहाँ पे आप कहते हो ना व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी कवर्स सम डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे हम एक सेंटेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे हम कहते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसकी डेफिनेशन के अंदर है कि डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, एफ एक्स के डायरेक्शन में हो रहा है। मीन्स ये जब किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो बॉडी जो डिस्प्लेसमेंट तय करती है वो डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में तय करती है, इन द डायरेक्शन जो है वो ऑफ एफ एक्स करती है। तो वर्क तब होता है, ठीक है, जब फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का सेम होता है। जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो आप यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ पे सेम नहीं, लेकिन यहाँ पे देखें एफ एक्स के एफ एक्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो जब हम कहते हैं कि फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है, जरूरी नहीं है कि पूरी फोर्स का डायरेक्शन सेम हो, उसके किसी कंपोनेंट का डायरेक्शन भी सेम हो। तो वर्क जो होता है वो हमेशा किस कंपोनेंट की वजह से होता है, एफ एक्स कंपोनेंट की वजह से होता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये जो वर्क होता है ये होता है एफ एक्स डॉट एस, या फिर इसका मैग्नीट्यूड कर सकते हैं इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इनटू एस, या आप इसको कह सकते हैं एफ इनटू एस कॉस थीटा, दोनों तरह से आप कर सकते हैं, या सिंपली आप लिखोगे एफ एस कॉस थीटा। तो ये जो फार्मूला होता है कि डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, दिस फार्मूला इज वैलिड फॉर ओनली कैलक्यूलेटिंग वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। ये वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और ये फार्मूला आपको कहता है कि वर्क जो होता है ये डॉट प्रोडक्ट है। आप कहोगे बेटा कि वर्क जो है ये हमारे पास वर्क जो है बेटा वर्क इज डॉट प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये होता है डॉट प्रोडक्ट होता है बेटा। देयर फोर आप कर सकते हैं डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, ठीक है। देयर फोर वी कैन एक्सप्रेस वर्क इन टू डिफरेंट वेज बेटा। ये डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है। कम्यूटेटिव का क्या मतलब,
इसके अंदर ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, कम्यूटेटिव होती है। तो जब हम ये कहते हैं कि वेन इज फोर्स इज अप्लाइड बॉडी कवर सम डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मीन्स ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में आप कर सकते हैं एफ डॉट एस या एस डॉट एफ, दोनों की बात जो होती है वो सेम होती है, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट और कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन कैसे होता है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इसको दो तरह से लिख सकते हैं। पहला क्या होता है, पहला ये होता है कि वर्क इज इक्वल टू इफ एक्स डॉट एस, आप इसको किस तरह से कहोगे, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि डब्ल्यू इज इक्वल टू, इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, इनटू एफ, आप इसको कहोगे कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, दोनों तरह से अगर इसको आप लिखोगे तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस, और अगर आप इसको लिखोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एस कॉस थीटा इंटू एफ, दोनों का जवाब जो होता है वो होता है एफ एस कॉस थीटा, इसका भी होता है एफ एस कॉस थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसका मैग्नीट्यूड ही होता है। तो आप कहोगे कि वर्क जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए आप दोनों तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऐसे, ये आप इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। ए कंडीशन का ये बनेगा, ग्राफ इस तरह से बनेगा। सपोज करें एक बॉडी है, उसके ऊपर आप इस तरह से ले रहे हो, ये फोर्स है, ठीक है, और ये फोर्स का कंपोनेंट कौन सा है, एफ कॉस थीटा, इस तरह से, ठीक है। और ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से एस, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। तो अगर आप इस तरह से लिखोगे और इसको बी में इस तरह से लिख सकते हैं, सपोज करें एक बॉडी है, ठीक है, अब देखें सपोज करें ये बॉडी है और इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है या इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आप सपोज करें इसके ऊपर फोर्स इस तरफ लग रही है, इसको ध्यान से समझिएगा, फोर्स किस तरफ लग रही है, वाई की तरफ लग रही है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है इस तरह से आप कहोगे, सपोज करें इस तरह से डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि ये जो एक मिनट, इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है, आप ये कहेंगे कि सपोज करें इस तरह से फोर्स अगर लग रही है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अगर फोर्स लग रही है, अब बॉडी इस तरफ नहीं जा रही, ठीक है, अब बॉडी किस तरफ जा रही, इस तरफ जा रही, सपोज करें डिस्प्लेसमेंट, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट इस तरह से होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो आप ये समझोगे कि अब तो वर्क किस पे डिपेंड करेगा, अब वर्क जो होता है वो आप ये समझोगे कि ये अब वर्क जो होता है ये डिपेंड करेगा वाई पे, ऐसे नहीं होता। अगर आप यहाँ पे करते हो तो ये एंगल लेते हो एक्स एक्सिस के साथ, अगर यहाँ पे करते हो तो ये एंगल लोगे वाई एक्सिस के साथ, इस तरह से, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा एफ वाई और ये कौन सा हो जाएगा एफ एक्स,
ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट फिर किस डायरेक्शन में जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट फिर एफ एक्स की जगह जा रहा है, ठीक है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, तो एंगल किसके दरमियान लेंगे? फोर्स और एक्स एक्सिस के दरमियान। अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस है, तो एंगल किसके दरमियान लेंगे? फोर्स के दरमियान और वाई एक्सिस के दरमियान, क्योंकि फोर्स और एंगल किसके दरमियान ली जाती है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। ये जो डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा है, इसमें एंगल किसके दरमियान ली जाती है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो अगर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो एंगल किसके दरमियान ली जाएगी? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के दरमियान, इसलिए फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा आ गया, ठीक है। जब हम लेते हैं कि व्हेन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, तो एंगल किसके दरमियान लेंगे? वाई एक्सिस और फोर्स के दरमियान। तो आपको कंपोनेंट्स का रूल पता है कि अगर वेक्टर ए है, ठीक है, एंगल ये है, तो ये ए एक्स होगा और ये कौन सा हो जाएगा? ए वाई। अगर ये है, इस तरह से है, वाई है, एक्स है, अगर ए इस तरह से है, एंगल आप ये लेते हो, तो ये हो जाएगा ए वाई और ये कौन सा होगा? एक्स हो, ठीक है। ध्यान में रखिएगा कंपोनेंट्स का रूल होता है। तो दोनों कंडीशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट और एक्स कंपोनेंट क्या होते हैं? एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, इसलिए हमेशा हम वर्क के अंदर क्या रखते हैं? एफ एक्स रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होती है ना, वो किसके दरमियान होती है? ये एंगल जो होती है, ये होती है बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल लोगे, तो हमेशा जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट होगा एफ एक्स, वो हमेशा किसके साथ पैरेलल होगा? वो हमेशा पैरेलल होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो आप कहोगे कि वर्क डिपेंड्स, वर्क डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा वर्क इज डॉट प्रोडक्ट, इज डॉट प्रोडक्ट, देयर फोर वर्क देयर फोर निगेटिव जीरो पॉजिटिव। बेटा ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होती है, निगेटिव भी होती है, जीरो भी होती है। देखें अब ये जीरो कब होती है बेटा? जीरो तब होती है जब थीटा 90 डिग्री होती है बेटा, ठीक है। अब ये कंडीशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, उसके बाद आप इस चीज को फिर इसको करते हैं वापस। इस चीज को समझने के लिए बेटा, ये जो चीज मैंने लिखी है ना, इसको मैं एक पॉइंट पहले समझाऊं, अदरवाइज आप समझोगे। इस पॉइंट को मैं लास्ट में करता हूं बेटा, क्योंकि इसको समझने के लिए एक पॉइंट चाहिए आपको। इसके बाद जो होती है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, ठीक है, जिसका ताल्लुक शुरू वाली पॉइंट से जो मैंने आपको बताया कि वर्क हमेशा किस वजह से होता है? अनबैलेंस फोर्स की वजह से, ठीक है। तो वर्क किस वजह से होता है? वर्क ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स होता है। कोई बॉडी भले मूव कर रही हो, आप ये तो नहीं कहोगे उसके ऊपर वर्क हुआ है, क्योंकि जब वर्क होता है तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है एक्ट करती है। मूविंग बॉडी पे अनबैलेंस्ड फोर्स तो जरूरी थोड़ी ना है। चैप्टर थर्ड आप सबका पढ़ा हुआ है, अच्छी तरह पढ़ा हुआ होता है, इसलिए मैं उसको पहले ले ही नहीं, ठीक है। उसके अंदर आप न्यूटन का लॉ पढ़ते हो कि जब किसी भी मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स बैलेंस्ड होती है, तो वो मूव करती है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती हुई बॉडी जो होती है, उसके ऊपर थोड़ी ना वर्क हो रहा होता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है?
उसके ऊपर लग रही होती है बैलेंस्ड फोर्स। तो वर्क ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स होता है, और अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है वो हमेशा एक्सीलेशन पैदा करती है, और एक्सीलेशन जो होती है ये चेंज इन स्पीड का सबब बनती है, और चेंज इन स्पीड होती है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब आप कहते हो कि जब आप वर्क कहते हो व्हेन फोर्स इज अप्लाइड बॉडी कवर्स फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट, तो अनबैलेंस से होती है, और अनबैलेंस फोर्स एक्सीलेशन पैदा करेगी। इसका मतलब है कि अगर आप रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर अनबैलेंस फोर्स लगाओगे तो मूव करना शुरू कर देंगी, मींस उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। अगर किसी मूविंग बॉडी के ऊपर आप वर्क करोगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी या बढ़े या कम हो, तो आप कहोगे वर्क हुआ है। अगर आप किसी भी मूविंग बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो लेकिन उसकी काइनेटिक एनर्जी न इंक्रीज हो रही है न डिक्रीज, तो आप ये नहीं कहोगे वर्क हुआ, ठीक है? आप ये कहोगे कि उस बॉडी के ऊपर वर्क नहीं हुआ, क्योंकि वर्क हमेशा अनबैलेंस फोर्स की वजह से होता है। अनबैलेंस फोर्स एक्सीलेशन पैदा करती है, एक्सीलेशन जो होती है चेंज ऑफ स्पीड का सबब बनती है, और चेंज ऑफ स्पीड जो होती है वो किसके अंदर जाती है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। देयरफॉर आप कहोगे कि वर्क इज इक्वल टू द चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो ये जो वर्क होता है मूविंग बॉडी के ऊपर हमेशा चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है? तो अब आ जाए कि वर्क जो होता है वो जो हमने पॉइंट लिखी थी, वर्क इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर इट कैन बी निगेटिव, जीरो, पॉजिटिव। अब ये जीरो कब होता है? जीरो तब होता है जब थीटा होती है 90 डिग्री बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होती है, तो आपको पता है कि जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान, सॉरी, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मीन्स फोर्स और वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम होता है, तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जब एंगल 90 डिग्री होती है, तो ऐसी फोर्स बॉडी की स्पीड को चेंज नहीं कर सकती। बॉडी की स्पीड वो फोर्स चेंज करती है जिसकी एंगल 90 ना है, कोई भी एनी अदर एंगल है, तो ऐसी फोर्स बॉडी की स्पीड चेंज करती है। प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आपने पढ़ा है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट स्पीड का ग्रेविटी से चेंज नहीं होता, इसलिए कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ स्पीड वेलोसिटी और ग्रेविटी के दरमियान एंगल 90 होती है। तो जब फोर्स के दरमियान और स्पीड के दरमियान एंगल 90 डिग्री होती है, जब फोर्स के दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 होती, तो ऐसी फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं कर सकती। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड चेंज नहीं कर सकती, तो ऐसी फोर्स काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं कर सकती, तो आप नहीं कहोगे वर्क, क्योंकि वर्क जो होता है वो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर आप कहते हैं वहां पे भी सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है, ठीक है? सेंट्रीपिटल फोर्स लगने के बावजूद भी आप कहते हो कि वर्क नहीं होता, इसलिए नहीं होता क्योंकि वहां पे चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जिसके अंदर स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये जीरो होता है जब एंगल बिटवीन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 होती है, आपके बुक में एग्जाम्पल्स लिखे हुए बेटा। और दूसरा ये होता है कि जब थीटा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो है, लेस देन जो होती है वो 90 है, तो कॉस थीटा जो होती है वो पॉजिटिव होती है, और वर्क जो होता है वो पॉजिटिव होता है। जैसे ये होता है, ये वाला वर्क जो होता है हमारे पास, इसके अंदर अगर आप देखते हो तो ये एंगल जो है वो या जीरो हो या 90 से छोटी हो, जीरो या 90 से छोटी हो, क्योंकि 90 पे तो जीरो हो जाएगा, तो वर्क पॉजिटिव होता है।
ठीक है। और तीसरी कंडीशन इसके अंदर होती है बेटा, तीसरी कंडीशन है इसके अंदर कि जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन आर इक्वल टू 180 डिग्री, तो कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव होती है, वर्क जो होता है वो निगेटिव। तो वर्क पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है वो किस पे डिपेंड करता है, एंगल पे, कि थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कौन सी है। ठीक है, तो ये बेटा हमने कुछ वर्क के जो है वो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स के बारे में पढ़ा कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्या होता है। ठीक है, इंशाल्लाह इसको आगे कंटिन्यू करेंगे कल। ठीक है, और जो हाफ एंट्री वाले हैं बेटा आपकी, आज तो संडे है तो आज क्लास नहीं है दूसरी फिजिक्स की, कल से हाफ एंट्री वालों की जो फिजिक्स की दूसरी क्लास भी इसी के साथ होगी, जिसके अंदर हम चैप्टर 9 पढ़ेंगे। ठीक है, जी।